नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवाली गिरदरवाल और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जीएसटीआर 3B की लेट फीस पे जो कोर्ट ने स्टे लगाया है। मैं आपको ये जरूर बोल दूं कि कोर्ट ने उसका कोई वेवर नहीं दिया है, ये नहीं कहा है कि लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन कोर्ट ने ये माना फैक्ट्स को देख के कि हाँ, इस इशू पे कंसिडर करना बनता है, यानी कि इस इशू को डिटेल में देखना, जांचना, परखना बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। GSTR 3B क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, उसकी बैकग्राउंड हम सब लोगों को पता है। जब GST की जो नॉर्मल रिटर्न थी वो नहीं बन पाई थी GSTN पोर्टल से, तो उन्होंने एक एडहॉक रिटर्न की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया था। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि GSTR 3B कोई रिटर्न है ही नहीं, वो सिर्फ एक चलान है, तो एक सेल्फ असेसमेंट चलान जिसके थ्रू मैं असेसमेंट छोटा सा अपना करके और पेमेंट कर देती हूँ। डिपार्टमेंट ने भी शुरू में जब GSTR 3B आया तो उनका व्यूज के बारे में बिल्कुल यही था कि ये कोई GST की रिटर्न नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो रिटर्न ही नहीं है तो रिटर्न को लेट फाइल करने पे लगने वाली जो लेट फीस थी वो GSTR 3B की लेट फाइल करने पे लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि शुरू के कुछ महीनों में टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा थे, तो कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ने इसकी जो लेट फीस थी उसको खुद भी वे ऑफ किया। साथ में GSTR 1 की लेट फीस को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि पोर्टल अभी नहीं लगा रहा है, बट आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो लेट फीस भी पिक्चर में आनी है। सो GSTR 3B के लेट फीस को सवाल उठाया गया है उसको लेकर, और GSTR 3B की जो लेट फीस है क्या उसका वेवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम सब लोग इसमें वेट करेंगे उस डिसीजन के फाइनली आने का। और ये अगेन आप एंड कंपनी का केस है गुजरात हाई कोर्ट का, और इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पिटिशनर्स थे, बट जो डिसीजन दिया गया है, जो स्टे लगाया गया है, वो भी आप एंड कंपनी के केस में अविनाश पोद्दार जी अगेन इस केस में थे, जिनका हम लोगों ने लिटिगेशन कोर्स भी किया था, हमें से काफ़ी सारे लोगों ने। तो धीरे धीरे GST लो एमर्ज हो रहा है, और जैसा वो था शुरू में धीरे धीरे उसकी शक्ल को बदल रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस बदल रहे हैं, कुछ कानून है जो उसको बदल रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि काफ़ी सारी बार हाई कोर्ट का डिसीजन आता है लेकिन डिपार्टमेंट उसको ट्रांसलेट नहीं करता डिपार्टमेंट लेवल पे, उस केस में भी हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर हमारी टीम अभी रिसर्च कर रही हो, और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे लेके आऊँगी कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई हाई कोर्ट डिसीजन आया है तो किस केस में वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा और किस केस में डिपार्टमेंट को उसको मानना चाहिए और कहाँ पे डिपार्टमेंट उसको नहीं मानना भी उसका मतलब ठीक है, उस पर भी हम लोग एक रिसर्च करके अभी लेके आ रहे हैं। क्योंकि GST की शक्ल को धीरे 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 बदला जा रहा है, और वो जैसा था वैसा आगे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बदलाव सौहार्दपूर्ण हो, हम सब लोगों के लिए सुख का कारक बने, हम सब लोगों के लिए मानसिक शांति का कारक बने, ये ज़रूरी है। तो जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बदलाव ही होता है, लेकिन वो बदलाव हमारी अडेप्टेशन जो स्किल्स हैं, अडेप्टेशन पावर है, उसके अनुसार हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिंगर्स क्रॉस करके हम सब ने रखी हुई है, ये केस हो सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए, हो सकता है GST की लेट फीस को कम्प्लीटली वे ऑफ कर दिया जाए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि बीच में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डेट के बीच में फाइल होने वाले रिटर्न्स की सारी जो फीस थी लेट फीस वो माफ़ कर दी थी। उसमें मैंने तब भी अपोज किया था कि जिसने एक दिन पहले फाइल कर दी तो उसकी आप लेट फीस माफ़ नहीं करोगे, जिसने नोटिफिकेशन आने के एक दिन बाद की उसकी आप लेट फीस माफ़ करोगे। इस केस में भी उस नोटिफिकेशन को साइट किया गया है, उसके लिए भी एक विरोध दर्ज कराया गया है कि इस तरह का प्रोविजन करना ये डेफिनेटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इक्वलिटी सबको दोगे, ऐसा नहीं कि किसी ने बाद में फाइल किया, किसी ने पहले फाइल किया, इस बेसिस पे सेग्रीगेट करके उनसे लेट फीस चार्ज कर लेना तो ये डेफिनेटली अगेंस्ट द लॉ है। तो इस पे भी अब डिसीजन आएगा, और मैं आप सब लोगों को ये भी ज़रूर बोलूँगी कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं उनको प्लीज़ फॉलो करते रहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बहुत छोटे लेवल के क्लाइंट को तो अदरवाइज कैटर कर पाएंगे, वरना बाकी केसेस में आपको खुद को अपडेट रखने की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी। विद दिस इंपॉर्टेंट अपडेट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो, लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो फाइनल नहीं है, जब इस केस का डिसीजन आएगा तो मैं दोबारा उस डिसीजन के साथ आपके पास आऊँगी इसी चैनल पर, इसी जगह पर। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेते हैं, जिसके लिए मैं दिल से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। पूरा फ्लो में था और टूवर्ड्स एंड एक कट आ गया फालतू का ना।